हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में प्रारंभिक शिक्षा विभाग में अध्यापकों की विभिन्न श्रेणी के 2,277 रिक्त पदों को अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया है। इन पदों में जेवीटी के 671 पद, टीजीटी के 835, शास्त्री के 375 तथा भाषा अध्यापकों के 396 पद शामिल हैं। बैठक में राज्य में हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया है। योजना के तहत परिवार फ्लोट आधार पर प्रति परिवार से अधिक 5 सदस्यों के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5,00,000 रुपए की कैशलेस उपचार कवरेज प्रदान की जाएगी। उपचार सूचीबद्ध किए गए अस्पतालों में पूर्व परिभाषित पैकेज के आधार पर प्रदान किया जाएगा। आयुष्मान भारत के तहत सूचीबद्ध अस्पताल संभवतः स्वास्थ्य देखभाल योजना के लिए भी सूचीबद्ध होंगे। योजना में राज्य के वह सभी परिवार शामिल होंगे जो आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल नहीं हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने राज्य में गौ वंश के संरक्षण व कल्याण के लिए हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना करने को अपनी मंजूरी प्रदान की है। आयोग गौ वंश के कल्याण में लगे गौ सदनों, गौशालाओं, गौ अभ्यारण्यों, गौ विज्ञान केंद्रों तथा सामुदायिक पशुपालन केंद्रों इत्यादि संस्थानों को नियंत्रण करेगा। आयोग वे सहारा गायों से जुड़ी समस्याओं के समाधान में भी मददगार होगा। मंत्रिमंडल ने पट्टा नियमों के अनुसार पतंजलि योगपीठ को पट्टा राशि की स्वीकृति प्रदान की है। हिमाचल प्रदेश राज्य शहरी ठोस कचरा प्रबंधन नीति को भी मंजूरी प्रदान की गई है। नीति का उद्देश्य कचरा प्रबंधन गतिविधियों का इस तरह से संचालन करना है जो न केवल पर्यावरण, सामाजिक तथा वित्तीय तौर पर टिकाऊ हो बल्कि आर्थिक तौर पर व्यवहार्य हो। सोलन जिला के नालागढ़ में एक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना तथा कुल्लू, बंजार, तीसा तथा सिलाई में आवश्यक पदों के सृजन तथा इन्हें भरने सहित 4 सिविल कोर्ट स्थापना का निर्णय लिया गया है। बैठक में सीधी भर्ती के माध्यम से नगर परिषदों के लिए कार्यकारी अधिकारियों के 10 पद तथा नगर पंचायतों के लिए 7 पद भरने का निर्णय लिया गया है। चंबा जिले में महिला शक्ति केंद्र योजना को क्रियान्वित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना तथा सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में उनकी मदद करना है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए महिला कल्याण अधिकारी का 1 पद तथा जिला समन्वयक के 2 पदों को भरने के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित आधार पर सीधी भर्ती से सहायक प्रोफेसर के 15 पदों को भरने के लिए भी निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पेंशन एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 107 पदों को सृजित तथा अनुबंध आधार पर भरने को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें 3 पद सहायक अधीक्षक जेल, 10 पद मुख्य वार्डन पुरुष, 6 पद मुख्य वार्डन महिला, पुरुष वार्डन के 75 पद, महिला वार्डन के 10 पद तथा 3 पद डिस्पेंसरी के लिए शामिल है। बैठक में मोटर वाहन नियम के उल्लंघन तथा राज्य राजकोष में और राजस्व सृजित करने के दृष्टिगत प्रदेश में अन्य राज्यों के वाहनों के प्रवेश पर लगने वाले शुल्क को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में एक सूचना प्रौद्योगिकी सेल सृजित करने तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से विभिन्न श्रेणियों को 6 पदों को सृजित करने व इन्हें अनुबंध आधार पर भरने को मंजूरी प्रदान की है। बैठक में मंडी जिला के करसोक मंडल के कोटलू में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के उपमंडल को आवश्यक पदों के सृजन व भरने सहित खोलने को मंजूरी प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने धर्मशाला में जून 2019 में प्रस्तावित हिमाचल प्रदेश वैश्विक निवेश महासम्मेलन में भारतीय उद्योग संघ को राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य सहभागी के तौर पर नामित करने को मंजूरी प्रदान की है। ये भी निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग की अध्यक्षता में एक उप समिति गठित की जाए जो भारतीय उद्योग संघ के साथ चर्चा करेगा और समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देगा। बैठक में कांगड़ा जिला के नूरपुर स्थित सरकारी भूमि को उपमंडलीय कार्यालय के पुराने भवन सहित नागरिक परिसर निर्माण के लिए स्थानांतरित करने को भी मंजूरी प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला के राजकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज धोलाकुआ में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग तथा इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के दो पाठ्यक्रमों को शामिल करने तथा प्रत्येक में 60 सीटों सहित आवश्यक स्टाफ के सृजन व भरने को मंजूरी प्रदान की पूरी करेगा। आज की बैठक में ये भी फैसला किया गया। इसके अलावा पहली कैबिनेट की बैठक में कुछ फैसले लिए गए थे जब सरकार बनी थी कि हिमाचल प्रदेश के हर बुजुर्ग को ऐसी पेंशन लगनी चाहिए और वो पेंशन ऐसी होनी चाहिए कि उसमें आयु का 70 वर्ष पर आय का कोई प्रमाण पत्र ना हो। तो उस समय ओल्ड एज पेंशन का प्रावधान किया गया था, परंतु उस समय गो संरक्षण का भी एक वायदा किया गया था। तो आज बोर्ड के गठन की भी विधिवत कैबिनेट ने मंजूरी दे दी गई और उसकी मॉडलिटीज भी तय कर दी गई हैं। तो ये भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। पूरे देश के उद्योगपतियों को और सिर्फ उसमें किसी एक उद्योग के लिए नहीं, उसमें इंडस्ट्री के अलावा उसमें हमारा जो हेल्थ है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का मामला है, चाहे उसमें आयुर्वेदा की पद्धति है, चाहे उसमें टूरिज्म की बात है, चाहे उसमें रोपवे की बात है, इत्यादि इत्यादि, और उसमें टूरिज्म में चाहे अलग अलग विषयों की बात है, उसको लेकर के अगर इन्वेस्टर मीट धर्मशाला में बढ़िया तरीके से करनी है तो उसके लिए भी रोड मैप आज तैयार कर लिया गया है और June 10-11, 2019 को वो इन्वेस्टर मीट जो है वो धर्मशाला में होगी। और इस बार की इन्वेस्टर मीट एक सेरेमोनियल इन्वेस्टर मीट नहीं, परंतु उससे पहले ही कौन आएगा हिमाचल प्रदेश में, उन लोगों के साथ MOU होना शुरू हो जाएंगे और हिमाचल प्रदेश जो है विकास की दृष्टि से एक लंबी छलांग माननीय मुख्यमंत्री श्री जय मंडप में एक नई सब तहसील खोलने की बात यहां पर की गई है। और पिछले दिनों किराया वृद्धि हुई थी तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 6 रुपए से किराया 5 रुपए होगा, उसको भी आज की कैबिनेट की बैठक ने यहां पर मंजूरी दी है। तो मैं ये सारी बातें और जो अंशकालिक जो कर्मचारी हैं जिनको दैनिक भोगी बनाए जाने की भी आज कैबिनेट ने यहां पर मंजूरी दी है, तो कुल मिलाकर के और महिला सशक्तिकरण योजना 18 से 25 और 25 से 35 वर्ष की ऐसी योजनाओं को जागरूक किया जाएगा, उनके अधिकारों के लिए, उनके स्वरोजगार के लिए, वो अपने पैरों के ऊपर खड़ी हो सकें, अपने परिवार को चला सकें, ऐसे भी इस कैबिनेट की बैठक में आज फैसला लिया गया। एक लंबी चौड़ी अलग अलग विषयों पर आज यहां पर चर्चा हुई है। और संक्षेप में मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आपने मेरे से पूछा कि जो बाबा रामदेव जी का साधुपुल में जो जमीन का विषय था जो पिछले वर्षों में विवादित रहा, तो कैबिनेट की बैठक ने इसमें भी फैसला किया है कि उनको वो सारी वस्तु स्थिति जो है उससे अवगत सरकार होते हुए वो अधिकार उनको दे दिए जाए, ताकि जिस मॉडल के तहत वो यहां पर शिक्षा और हेल्थ की सुविधाएं देना चाहते हैं वो सुविधाएं यहां पर मिल सके। तो कुल